सोलन के संस्कृत महाविद्यालय में उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आजकल स्कूलों के ज्वलंत मुद्दे पर उन्होंने निजी स्कूलों को हिदायत दी है कि वे नियमों की अवहेलना किसी भी सूरत में न करें। अगर वे किसी भी तरह से नियमों की अवहेलना करते पाए जाते हैं तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस मौके पर उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत शर्मा ने कहा कि उनके विभाग द्वारा हर जिला मुख्यालयों पर 3 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जो जिला में सभी निजी स्कूलों का दौरा करेंगे और जो स्कूल मनमानी फीस वसूलता पाया जाता है या वे बर्दियां और किताबें किसी विशेष दुकान से परिजनों को खरीदने पर बाध्य कर रहा है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग का एक ही लक्ष्य है कि शिक्षा के मंदिरों में किसी भी तरह का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। हमने आदेश पारित किए हैं अपने विभाग की तरफ से, जो आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जितने निजी स्कूल हैं उनमें 2 दिन के अंदर अंदर इंस्पेक्शन करेंगे। हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स उनकी इंस्पेक्शन करें, देखें कि कितनी फीस उन्होंने बढ़ाई है या कैसे वो स्कूल में बुक्स बेच रहे हैं या यूनिफॉर्म बेच रहे हैं या कोई इस तरह से अनऑथराइज्ड तरीके से कोई काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको इसका नतीजा सामने में देखने को मिलेगा। तो जो अनऑथराइज्ड तरीके से कोई दुकान चला रहा है या अपने डीलर्स को बुला के कोई वर्दी या कोई ऐसे सेल करवा रहा है, तो इसको जो कंसर्न्ड विभाग है वो ही देखने में इसके लिए सक्षम है, और जो उनका आदेश होगा, जैसे वो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल गलत है ये, इनके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है, तो फिर हम विभाग की तरफ से अपनी तरफ से भी उसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो 1997 का एक्ट है, 2003 के रूल्स हैं, जिनके अनुसार बहुत सी ऐसी बात नहीं है, शक्तियां तो विभाग के पास भी हैं, सरकार ने तो और सरकार के कानून को तो हर किसी को मानना पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल।